नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सैयद हैदर रजा का आत्मकथा का अंश आत्मा का ताप। भले ही 1947 और 48 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हो, मेरे लिए वे कठिन बरस थे। पहले तो कल्याण वाले घर में मेरे पास रहते मेरी माँ का देहांत हो गया। पिताजी मेरे पास ही थे, वे मंडला लौट गए। मई 1948 में वे भी नहीं रहे। क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है? उनकी माताजी की मृत्यु होती है और फिर उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। विभाजन की त्रासदी के बावजूद भारत स्वतंत्र था। देखो 47 और 48 की बात करें तो देश के लिए तो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी ही थी और लेखक के स्वयं के जीवन में भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो गई थी, उनकी माता की मृत्यु और उनके पिता की मृत्यु। विभाजन की त्रासदी के बावजूद भारत स्वतंत्र था। हालांकि भारत का विभाजन हो गया था, भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया था हमारा देश, लेकिन फिर भी उस दुख के बाद भी हमारा देश स्वतंत्र था, तो इस बात का उत्साह था और लेखक को उदासी भी थी। एक तो विभाजन होने की उदासी, दूसरे माँ बाप को खो देने की उदासी। जीवन पर अचानक जिम्मेदारियों को बोझ आ पड़ा क्योंकि माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। हम युवा थे, मैं 25 बरस का था। लेखकों कवियों चित्रकारों की संगत थी। हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं, यानी उन्हें ऐसा लगता था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम में इतनी सामर्थ्य है। और सभी अपने अपने क्षेत्रों में अपने माध्यम में सामर्थ्य भर बढ़िया काम करने में जुट गए, यानी कि अपने द्वारा जो भी श्रेष्ठ कार्य हो सकता था वो बड़े जोश और उत्साह के साथ करने में जुट गए। इन पर जिम्मेदारियाँ आ गई थी। देश का विभाजन, महात्मा गांधी की हत्या, ये क्रूर घटनाएं थी। देखो प्रश्न बनता है कि सन 47 और 48 में कौन सी दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी? तो एक तो देश का विभाजन, देश आज़ाद होना, देश का विभाजन होना 47 में, और 48 में महात्मा गांधी की हत्या। तो व्यक्तिगत स्तर पर मेरे माता पिता की मृत्यु भी ऐसी ही क्रूर घटना थी। लेखक के माता पिता की घटना उसके निजी जीवन की कठिनाइयों को, परेशानी को बताती है। हमें इन क्रूर अनुभव, यानी कि लेखक का एक क्रूर अनुभव है व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत स्तर पर माता पिता की मृत्यु होना, हमें इन क्रूर अनुभवों को आत्मसात करना था। तो देखें, यहाँ आप अंडरलाइन करें, प्रश्न बनता है, हमें इन क्रूर अनुभवों को आत्मसात करना था। कथन किसका, लेखक का यह कथन किस संदर्भ में आया है? हमें इन क्रूर अनुभवों को आत्मसात करना था, लेखक का यह कथन किस संदर्भ में आया है? तो देखो सन 1947 और 48 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। एक तो देश का स्वतंत्र होना, देश का विभाजन होना 1947 में, और 1948 में महात्मा गांधी की हत्या होना, ये क्रूर घटनाएं थी। और व्यक्तिगत स्तर पर भी लेखक के माता पिता की मृत्यु भी ऐसी ही क्रूर घटना थी। किंतु अब इन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन्हें इन क्रूर अनुभवों को आत्मसात करना था, अपने जीवन में अंगीकार करना था, स्वीकार करना था, तो इसीलिए हम उससे उभर कर काम में जुट गए। बिल्कुल आपको प्रश्न करना है, 1948 में मैं श्रीनगर गया, वहाँ चित्र बनाए, ख्वाजा अहमद अब्बास भी वहीं थे। कश्मीर पर कबायली आक्रमण हुआ, देखें कबायली मतलब कबीलों का आक्रमण हुआ, तब तक मैंने तय कर लिया था कि भारत में ही रहूँगा। मैं श्रीनगर से आगे बारामूला तक गया, घुसपैठियों ने बारामूला को ध्वस्त कर दिया था। मेरे पास कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का पत्र था जिसमें कहा गया था कि यह एक भारतीय कलाकार है, इन्हें जहां चाहे वहां जाने दिया जाए और इनकी हर संभव सहायता की जाए, यानी कि इनको जहां भी जाना चाहे वहां जाने की अनुमति दे दी गई और साथ ही हर संभव सहायता का भी बताया गया। एक बार मैं बस से बारामूला से लौट रहा था, यहाँ या वहाँ जा रहा था,
तो स्थानीय कश्मीरियों के बीच मुझ पेंटधारी शहराती को देखकर, यानी कि एक मुसाफिर को देखकर, पेंटधारी अजनबी को देखकर एक पुलिस वाले ने मुझे बस से उतार लिया। मैं उसके साथ चल दिया। कहाँ से आए हो, क्या नाम है, नाम क्या है? मैंने बता दिया। क्या नाम बताया लेखक ने? अपना नाम बता दिया। और बम्बई से आया हूँ, शेख साहब की चिट्ठी उसे दिखाई। उसने सलाम ठोका, यानी उसे सम्मान प्रकट किया, उसका सलाम किया और परेशानी के लिए माफ़ी मांगता हुआ चला गया। श्रीनगर की इसी यात्रा में मेरी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रिस्सा से हुई। मेरे चित्र देखने के बाद उन्होंने जो टिप्पणी की वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। तो देखो उन्होंने क्या टिप्पणी की है, तो प्रश्न यहाँ बनता है बिल्कुल, फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रिस्सा ने लेखक के चित्र देखकर क्या टिप्पणी की? तो देखो क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन प्रतिभाशाली युवा चित्रकारों को लेकर मैं संदेहशील हूँ, यानी संदेह रहता है मेरे मन में। तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, किंतु रचना नहीं है, यानी कि सृजनात्मकता नहीं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की तरह बनाया जाता है, इमारत की तरह बनाया जाता है, यानी कि सबसे पहले उसका आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत, तब जाकर वह टिकता है। मैं कहूँगा कि तुम सेजा का काम ध्यान से देखो। सेजा जिनका जिक्र शुरुआत में आया है, वो भी महत्वपूर्ण चित्रकार है। मैं कहूँगा कि तुम सेजा का काम ध्यान से देखो। इन टिप्पणियों का मुझ पर गहरा प्रभाव रहा। बम्बई लौटकर मैंने फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांसे में दाखिला ले लिया। संस्थान में फ्रेंच पेंटिंग में मेरी खासी रुचि थी, लेकिन मैं समझना चाहता था कि चित्र में रचना या बनावट वास्तव में क्या होगी। 1950 में एक गंभीर वार्तालाप के दौरान फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने मुझसे पूछा, तुम फ्रांस जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहते हो? तो मैंने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर दिया कि फ्रेंच कलाकारों का चित्रण पर अधिकार है, चित्रकला पर उनका पूर्णतया अधिकार है, यानी कि बहुत प्रभावशाली चित्र बनाते हैं वे। फ्रेंच पेंटिंग मुझे अच्छी लगती है। जब उसे पूछा गया सैयद हैदर रज्जा से कि तुम्हारे पसंदीदा कलाकार, तब इन्होंने नाम गिनाए हैं, देखो सेजा, वॉन गॉग, गोगा, पिकासो, मातिस, शागाल और ब्रोक। पिकासो के काम के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? जब ये पूछा गया तो पिकासो महान चित्रकार है फ्रांस के। पिकासो का हर दौर महत्वपूर्ण है क्योंकि पिकासो जीनियस है। किसने कहा? लेखक सैयद हैदर रज्जा ने उनसे कहा। वह इतने खुश हुए कि मुझे एक के बजाय 2 बरस के लिए छात्रवृत्ति मिली। किससे, देखो किससे प्रभावित हुए? लेखक के इस जवाब के बारे में सुन करके। पिकासो का हर दौर महत्वपूर्ण है क्योंकि पिकासो जीनियस है। मैं सितंबर में फ्रांस के लिए निकला और 2 अक्टूबर 1950 को मार्सेई पहुंचा। यू पेरिस में मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। बम्बई में रहते एक ऊर्जा थी, काम करने की एक इच्छा थी। आत्मा को चढ़ा ताप, यानी कि आत्मा का ताप, यानी आत्मा का बुखार, यानी जुनून, जज्बा, जोश, उत्साह। आत्मा को चढ़ा यह ताप लोगों को दिखाई देता था, यानी कि इनको ये जुनून है ये सबको पता था। अपने यहाँ ज़बरदस्त उदारता थी, यानी लोग सहयोगी हुआ करते थे, दूसरे के प्रति दया रखते थे। कोई काम करने का इच्छुक हो तो लोग सहायता को तैयार रहते थे। मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस मेहनत करनी होगी। यानी कि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं कि जो हम प्राप्त ना कर सकें, तो मेहनत से सब कुछ संभव है। चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। इसे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल पाते हैं। सर्वस्व देकर यानी कि समर्पित होकर के, लीन होकर के, और हम चित्र बना सकते हैं, मन की कल्पना को चित्रों का रूप दे सकते हैं, तब जाकर के हमारे चित्र प्रभावशाली और भावनात्मक और बन सकते हैं। केवल जहरा जाफरी को कार्य करने की ऐसी लगन मिली। जहरा जाफरी नामक जो चित्रकार हैं उनमें ऐसी लगन थी। वह पूरे समर्पण से दमोह शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती हैं। कल मैंने उन्हें फ़ोन किया,
यह जानने के लिए कि वह दमोह में क्या कर रही है। उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मुझे सूर्य प्रकाश यानी उस ग्रामीण स्त्री का जो पति है, जो अपने पति का नाम नहीं ले रही थी, का किस्सा याद है। किसको? लेखक को। उसके पति का किस्सा याद है, जहरा जाफरी के। मैंने दृष्टा से उन्हें बताया कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, यानी कि यदि लिखा हुआ हो किस्मत में तो बिना मांगे मोती भी मिल जाते हैं और मांगने से भीख भी नहीं मिली अगर नहीं लिखी हो तो। मेरे मन में शायद युवा मित्रों को यह संदेश देने की कामना है कि कुछ घटने के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे न बैठे रहो, खुद कुछ करो। जरा देखिए, अच्छे खासे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे, जबकि उनमें तमाम संभावनाएं हैं, किंतु फिर भी वे काम नहीं कर रहे। और यहाँ हम बेचैनी से भरे काम किए जाते हैं। मैं बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा अपने चित्त को संतप्त किए रहता हूँ। मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जिसमें खामी लगती है, यानी कि खामी यानी कमी। यह बहुत गजब की बात नहीं है, बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझ में काम करने का संकल्प है। भगवत गीता कहती है, जीवन में जो कुछ भी है तनाव के कारण है। यानी जीवन में तनाव नहीं हो। बचपन जीवन का पहला चरण एक जागृति है, व्यक्ति का जागरण काल है। लेकिन मेरे जीवन का बंबई वाला दौर भी जागृति का ही चरण था। क्यों? क्योंकि लेखक उस समय संघर्ष कर रहे थे, भविष्य के प्रति सावधान हो रहे थे। कई निजी मसले थे उनके जिन्हें सुलझाना था, मसला यानी कि मैटर जो है जिन्हें सुलझाना था। मुझे आजीविका कमानी थी। मैं कहूँगा कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है, वैसे अंततः वह महत्वपूर्ण नहीं होता। लेखक क्या कहते हैं, आजीविका कमाना था उन्हें, पैसा महत्वपूर्ण होता है, किंतु आखिरकार पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उत्तरदायित्व तो होते हैं कि किराया देना है, फीस देनी है, अध्ययन करना होता है, काम करना होता है, तो इन सब के लिए पैसे की भी आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर स्थिति खासी जटिल थी। मेरे माता पिता के न रहने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खो देने से जटिलता और बढ़ी, यानी कि इनके जीवन में कठिनाइयों का दौर और अधिक बढ़ गया। एक तो इन्होंने अपने व्यक्तिगत स्तर पर तो माता पिता को खोना, और देश के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खो देना, ये उनके जीवन की जटिलताओं को और अधिक बढ़ा देता है। तो देखें, ये तो था आपके आत्मा का ताप, सैयद हैदर रजा। अब देखें, हम प्रश्नों की बात करते हैं। रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों नहीं स्वीकार की? रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों स्वीकार नहीं क्यों नहीं की? क्योंकि उन्होंने क्या सोचा था कि अब मैं लौटूंगा नहीं वापस, यानी कि सरकार ने तो लेखक को अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की थी, लेकिन लेखक ने क्या तय किया कि मैंने तय किया कि मैं लौटूंगा नहीं, बम्बई में ही अध्ययन करूंगा। शहर पसंद आया था, वातावरण पसंद आया था, गैलरियां और शहरों में अपने पहले मित्र पसंद आए थे, तो ये सब कुछ उन्हें बहुत अच्छा लगा था, तो वो छोड़ करके वापस नहीं जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश को अस्वीकार कर दिया। बम्बई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा ने क्या क्या संघर्ष किए? तो देखो, आपको पता है कि जब तक कि बम्बई पहुँचे थे छात्रवृत्ति लेकर के, तब तक जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था, और दाखिला हो भी जाता तो उपस्थिति का प्रतिशत पूरा नहीं था, तो इनसे क्या किया गया, छात्रवृत्ति वापस ले ली गई इनसे। ठीक है, तो इस प्रकार इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। भले ही 1947 और 1948 में महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी हो, मेरे लिए भी कठिन बरस थे, रजा ने ऐसा क्यों कहा? तो देखिए, आपको पता है, मैंने भी आपको एक प्रश्न लिखाया था कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, और हमारे देश का विभाजन भी हो गया। 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है, ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है, और लेखक के स्वयं के लिए भी ये समय जो था वो बड़ा कठिनाई का समय था, क्योंकि उन्होंने भी व्यक्तिगत स्तर पर अपने माता पिता को खोने की क्रूर पीड़ा को झेला था, क्रूर अनुभव को झेला था इन्होंने। रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे?
तो देखिए, रजा की पसंदीदा फ्रेंच कलाकार जो है वो सेजा, वॉन गोग, गोगा, पिकासो, माती, शागाल और ब्रोक, ये इनकी पसंदीदा कलाकार है। और तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की तरह बनाया जाता है, आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत और तब जाकर वह बनता है। ये बात किसने और किस संदर्भ में कही, आपको पता है ये बात किसने कही? तो ये बात किसने कही थी, श्रीनगर में लेखक की यात्रा प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेसां से हुई थी। इन्होंने कहा, यानी कि किसने, फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेसां ने लेखक से कहा और किस संदर्भ में कहा, श्रीनगर की यात्रा पर जब उन्होंने उनके चित्र देखे थे, तो चित्र देखने के बाद कहा। रजा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? इन टिप्पणियों का मुझ पर, यानी कि रजा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बम्बई से लौटकर फ्रेंच सीखने के लिए ये अलियांस फ्रांसे में दाखिला लेते हैं और इस तरह से फ्रेंच सीखने का कार्य शुरू कर देते हैं। पाठ के आसपास प्रश्नों की बात करें, रजा को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा न मिला होता तो क्या तब भी वे एक जाने माने चित्रकार होते? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो देखिए, अगर रजा को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा न मिला होता तो वे इतने जाने माने कलाकार, चित्रकार तो शायद बन चुके होते, क्योंकि उनमें प्रतिभा है। लेकिन किंतु उन्हें बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता, और अक्सर ऐसा भी होता है कि परिस्थितियाँ यदि अनुकूल ना हो तो प्रतिभाएं भी दब जाया करती है, नष्ट हो जाया करती है। तो रजा को अगर वकील साहब जैसे लोगों का सहारा ना मिला होता तो हो सकता है कि चित्रकार रजा जो है वो आज इतने महत्वपूर्ण जाने माने चित्रकार के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित नहीं होते, क्योंकि आर्थिक अभावों के चलते, प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते इंसान अपनी प्रतिभा को छोड़ करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लग जाता है, जिससे कि उसकी प्रतिभा, उसकी काबिलियत जो है वो परिस्थितियों का शिकार होकर के नष्ट हो जाया करती है। चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। कला के वर्तमान और भविष्य पर विचार कीजिए। तो चित्रकला व्यवसाय नहीं है, वह तो अंतरात्मा की पुकार है। हमने पढ़ा था बिल्कुल, चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। क्यों? क्योंकि इसे, इसको, यानी चित्रकला को अपना सब कुछ देकर, अपना सर्वस्व सौंप कर ही ठोस परिणाम मिल सकते हैं। यानी कि मेहनत और लगन और समर्पण से ये कार्य संभव है। हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं, आप किन क्षणों में ऐसा सोचते हैं? ठीक है, तो देखें, आप पहला प्रश्न पाठ के आसपास से आप पहला प्रश्न करेंगे और बाकी पाठ के साथ के ये सारे प्रश्न करेंगे आप। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।